सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है नागमणि के पीछे का रहस्य। यह बात तो आपने नहीं सुनी होगी कि नागमणि एक ऐसी चीज़ होती है कि वह जिसको भी मिल जाए तो वह आदमी रातों रात अमीर बन जाता है और जो करना चाहे वो कर सकता है। पर क्या कभी ऐसा होता है कि जिस किसी आदमी को नागमणि मिली हो अमीर हुआ हो और उसने जो भी मांगा हो उसको वो मिल गया हो? आज हम आपको बताते हैं कि इन बातों के पीछे की क्या सच्चाई क्या है। नागमणि और या नागों के पास ही क्यों होते हैं, क्यों कोई आदमी आज तक नागमणि नहीं ले सका? नागमणि के पीछे का यह सच, नागमणि एक मोती के आकार की होती है और जिन सांपों से मिलती है वह इंडोनेशिया मलेशिया में पाई जाती है और उसको कोबरा पर्ल और नेचुरल पर्ल के नाम से जाना जाता है और उनका आकार और डिज़ाइन कुछ फिश पर्ल जैसा मिलता है। दोस्तों, आपने शायद कैसी कहानियाँ भी सुनी होगी कि जो कहती है कि नागमणि उन सांपों को मिलती है जो हजारों साल तक जिंदा रहता है और उन सांपों को सब नागराज बोलते हैं, वहीं सभी सांपों का राजा होता है। अब बात आती है नागमणि दिखती कैसी है। नागमणि देखने में बहुत छोटी सी एक मोती की तरह होती है। कुछ लोगों को तो यह भी कहना है कि नागमणि वैसे होती है जैसे चावल का एक दाना और कुछ का कहना है कि नागमणि एक बड़े मोती की तरह होती है। अगर देखा जाए तो दोनों बातें कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए कि जैसे जैसे नागमणि की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका आकार भी बढ़ता जाता है। लोगों का मानना यह है कि नागमणि में इतनी चमक होती है कि एक अंधेरे कमरे में रोशनी का प्रकाश कर देती है। वैसे तो नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग बात है। कुछ लोग मानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो बारिश की बूंदें सांप के मुंह में चली जाती है, वह मणि बन जाती है कि अपने मणि को अपने सिर पर रख कर जब ओस की बूंद को पीता है तो उस समय अगर कोई आदमी उसको देख लेता है तो आदमी कभी भी गरीब नहीं होता है। लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि जब कोई 100 सालों तक किसी को नहीं डसता तब जाकर उसको नागमणि मिलता है। अगर ये बात सच है तो फिर नाग बिना कुछ खाए जिंदा कैसे रहता होगा? दोस्तों, हमने तो यह भी सुना है कि जब नाग बहुत बड़ा होता है तो वह चल फिर नहीं सकता, तब उसको नागमणि मिलती है जिसकी मदद से वो अपना खाना हासिल करता है। नागमणि के बारे में यह बात सच है कि नागमणि होती है और यह भी सच है कि वो नागों के पास होती है। जो सांप नहीं चल फिर पाते क्योंकि जब कुछ नाग ऐसे सांपों को खाते हैं जिनको मारने के लिए उन्हें अपने जहर की ज़रूरत नहीं होती तो उनका जहर उनकी सिर में जमा हो जाता है और वह एकत्रित होकर सूख कर काफ़ी ठोस बन जाता है, या यूँ कहें कि सूख कर पत्थर के समान खड़ा हो जाता है। जहर की वजह से उसमें काफ़ी चमक होती है। पत्थर के निकलने के बाद नाग की मौत हो जाती है, पर ऐसा नाग या सांप जो बिना अपने जहर के इस्तेमाल से अपने शिकार को खा सके, यह तो सचमुच में बहुत ही दुर्लभ बात है। नागमणि के पीछे का सच तो दोस्तों यह था। आज हमारे इस पोस्ट में हमने आपको बताया कि नागमणि के पीछे का रहस्य क्या है। अगर आपको हमारा पोस्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इस चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।